हेलो क्लास फोर बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित व स्वस्थ होंगे और आप लोगों ने अपनी गर्मियों की छुट्टियों को खूब इंजॉय किया होगा और साथ ही साथ आप लोगों ने पढ़ाई भी की होगी, है ना। तो बच्चों, जैसा कि अब आप लोगों को ये पता ही होगा कि आपके जो फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम है वो जल्दी ही शुरू होने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने अपना जो असाइनमेंट है उसको बिल्कुल पूरा करके रखना है और अपनी पढ़ाई में जुट जाना है। तो गर्मियों की छुट्टियों से पहले आपके टोटल 8 असाइनमेंट गए थे, ठीक है। अब जो कमिंग मंडे है यानी कि 5th of July से आपका नवा असाइनमेंट जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट वीक आपका 10वां असाइनमेंट जाएगा, ठीक है। तो टोटल आपके 10 असाइनमेंट जाएंगे फर्स्ट टर्म से पहले और फर्स्ट असाइनमेंट से लेकर के आपके जो 10वां असाइनमेंट है उसमें जो कुछ भी आपको पढ़ाया गया है उन्हीं में से ही आपका जो फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम होगा उसके पेपर बनेंगे। तो इसीलिए आप लोगों को कहा गया था कि जो गर्मियों की आपकी छुट्टियां हैं उसमें आप लोग अपना पेंडिंग काम पूरा करेंगे। जिन बच्चों का काम पूरा नहीं था उनका काम पूरा हो गया होगा, लेकिन बच्चों अभी भी कुछ बच्चे ऐसे जिनका अभी तक भी एक असाइनमेंट नहीं पहुंचा है। तो आप लोग ये सोचिए कि आप लोग एग्ज़ाम कैसे देंगे, इस स्थिति में आप लोग एग्ज़ाम कैसे देंगे, क्योंकि आपने तो एक भी असाइनमेंट नहीं किया है और अब आपके पास इतना टाइम भी नहीं होगा कि अब आप लोग स्टार्टिंग से लेकर के असाइनमेंट करने बैठेंगे, है ना। तो बच्चों, इसीलिए आपको कहा गया था कि आप लोग अपनी पढ़ाई को थोड़ा सीरियसली लीजिए, इसको मजाक में मत लीजिए। अपना जो असाइनमेंट है फटाफट से पूरा करके अपने सब्जेक्ट टीचर्स को भेजिए। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि आपके जो फर्स्ट टर्म में टोटल 10 असाइनमेंट में से आएगा, तो टोटल जो आपका पेपर बनेगा फर्स्ट उसका फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम का वो होगा 40 मार्क्स का, प्लस 20 मार्क्स आपको मिलेंगे 10 असाइनमेंट्स के, यानी कि एक असाइनमेंट के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये 20 मार्क्स हो गए, 2 × 10 20 मार्क्स हो गए आपके असाइनमेंट के, और जो 40 मार्क्स हैं वो आपके जो एग्ज़ाम होंगे फर्स्ट टर्म वो 40 मार्क्स का होगा, ठीक है बच्चों। तो आज हम व्याकरण पुष्प पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे और इसका आज मैं आपको पाठ 6 जो कि लिंग है उसका वाचन करवाने जा रहे हैं, उसको समझाने जा रही हूँ। तो आप लोग सभी बच्चे पेज नंबर 35 निकालिए, ठीक है। तो बच्चों, लिंग का अर्थ क्या होता है आपने पढ़ा होगा, जेंडर, इंग्लिश में पढ़ा होगा ना जेंडर, तो हिंदी में हम जेंडर को लिंग बोलते हैं, ठीक है। तो लिंग का जो शाब्दिक अर्थ है उसको क्या बोलेंगे, लिंग का जो शाब्दिक अर्थ है उसको हम चिन्ह भी बोल सकते हैं या प्रतीक भी बोल सकते हैं, या इंग्लिश में जैसे सिंबल बोलते हैं, है ना। जैसे गाय, गाय एक शब्द है जो स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग क्या होगा, बैल। उसी तरह से शेर एक पुल्लिंग शब्द है, शेर का जो स्त्रीलिंग है वो होगा शेरनी, ठीक है। तो जो आपकी पुस्तक में एक पैराग्राफ दिया गया अनुच्छेद, मैं उसको पढ़ने जा रही हूँ, वहाँ पर कुछ रंगीन चित्र दिए गए हैं, ठीक है। तो आप लोग अपनी अपनी पुस्तक में ध्यान से देखिए, आप लोग जब मैं पढ़ रही हूँ आप लोग ध्यान देंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि लिंग कौन सा लिंग है या लिंग क्या होता है, ठीक है। विद्यालय की प्रार्थना सभा में अध्यापक अध्यापिकाएं, छात्र छात्राएं तथा प्रधानाचार्य जी सभी आए हैं। संगीत अध्यापिका ने प्रार्थना आरंभ की, छात्र छात्राओं ने उनका अनुकरण किया, प्रधानाचार्य ने सभी को संबोधित किया,
पीटी अध्यापक ने छात्र छात्राओं को व्यायाम कराया। तो यहाँ पर जो शब्द है आप लोग अपनी अपनी पुस्तक में देखिए, यहाँ पर कुछ रंगीन शब्द हैं जिनसे यह पता चलता है कि अध्यापक अध्यापिकाएं, छात्र छात्राएं, प्रधानाचार्य प्रधानाचार्य जी, संगीत अध्यापिका, पीटी अध्यापक शब्द उनकी पुरुष या स्त्री जाति के विषय में बताते हैं। ठीक है, तो अध्यापक और छात्र जो है ये शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं और पुरुष जाति के शब्द हैं। उसी प्रकार अध्यापिकाएं व छात्राएं व प्रधानाचार्य जी ये स्त्री जाति के शब्द हैं। तो लिंग किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, वे शब्द जिनसे हमें स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध होता है वो लिंग कहलाते हैं। ठीक है, अब लिंग के भेद पढ़ेंगे हम। तो हिंदी भाषा में लिंग के दो भेद हैं, पहला पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। ठीक है, तो जो पुल्लिंग भेद है लिंग का, क्या होता है वो? पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं, जैसे चूहा, बैल, लड़का आदि। ठीक है, उसी प्रकार लिंग का जो दूसरा भेद है स्त्रीलिंग, वो क्या होता है? स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं कि वे शब्द जो हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं, जैसे चूहिया, गाय और लड़की आदि। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, एक बार मैं पढ़ती हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए। पहले पुल्लिंग शब्द पढ़ेंगे फिर उनके हम स्त्रीलिंग, जैसे शेर, उसका स्त्रीलिंग हो गया शेरनी, मोर का मोरनी, चूहा चूहिया, बंदर बंदरिया, हाथी हथिनी, बैल गाय, घोड़ा घोड़ी, बकरा बकरी, मुर्गा मुर्गी, जेठ जेठानी, कवि कवयित्री, पुरुष स्त्री, पति पत्नी, पड़ोसी पड़ोसन, पुत्र पुत्री, अध्यापक अध्यापिका, लेखक लेखिका, माली मालिन, ग्वाला ग्वालिन, आदरणीय तो आदरणीया, आदरणीय यदि पुल्लिंग शब्द है तो आदरणीय का जो स्त्रीलिंग है वह हो जाएगा आदरणीया। जैसे हम प्रधानाचार्य पुल्लिंग शब्द है, यदि हम प्रधानाचार्य का स्त्रीलिंग लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? प्रधानाचार्या। तो उसी तरह से आदरणीय का आदरणीया। ठीक है, छात्र छात्रा, महोदय महोदया, अनुज अनुजा, श्रीमान श्रीमती, बूढ़ा बुढ़िया, नायक नायिका, पुजारी पुजारिन, धोबी धोबिन, राजा रानी, विद्वान विदुषी। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग होगा विदुषी। ठीक है, तो ये तो अभी हमने कुछ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द पढ़े। बच्चों कुछ शब्द ऐसे हैं जो सदैव पुल्लिंग रहते हैं और कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग रहते हैं, उनका लिंग नहीं बदलता। जैसे जो हमेशा पुल्लिंग रहते हैं वो क्या है? पेन, पलंग, रास्ता, फूल, दूध, भारत, झरना, पेड़, मच्छर, बगीचा, चीन, पहाड़, नाला, जापान, आम आदि। तो ये जो शब्द है ये हमेशा पुल्लिंग रहते हैं। ठीक है, पहाड़ का पहाड़ी या पहाड़न हम नहीं बोलेंगे स्त्रीलिंग। ठीक है ना, रास्ता का रास्ती कभी सुना है? नहीं, रास्ता हमेशा रास्ता ही रहेगा। ठीक है, तो जो पुल्लिंग शब्द है
कुछ ऐसे शब्द जो सदैव पुल्लिंग ही रहते हैं, उनका लिंग नहीं बदलता। उसी प्रकार अब मैं जो शब्द पढ़ने जा रही हूँ, स्त्रीलिंग शब्द हैं जो हमेशा ही स्त्रीलिंग रहेंगे, उनका लिंग नहीं बदला जा सकता। जैसे कलम, पुस्तिका, चाबी, तितली, गिलहरी, पहाड़ी, कार, मेज, गर्मी, सर्दी, सड़क, घास, माला और खुशी आदि। ठीक है, तो ये तो हमने वे शब्द पढ़े जो सदैव या तो पुल्लिंग ही रहेंगे या सदैव स्त्रीलिंग रहेंगे, इनके लिंग नहीं बदलते। लेकिन बच्चों, कुछ शब्द ऐसे हैं जो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, तो वे कौन से शब्द हैं जो समान रूप से स्त्री या पुरुष के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, वो मैंने यहाँ बोर्ड में लिखा है। देखिए, स्त्री व पुरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग होने वाले शब्द हैं डॉक्टर, राष्ट्रपति, प्रोफेसर, इंजीनियर आदि। अब डॉक्टर है, डॉक्टर तो कोई लेडी डॉक्टर भी हो सकती है, जेंट्स डॉक्टर भी हो सकता है। तो आपने भी देखा होगा कि चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, डॉक्टर हमेशा स्त्री के लिए भी डॉक्टर बोलेंगे और पुरुष के लिए भी हम डॉक्टर बोलेंगे। वैसे ही राष्ट्रपति, ठीक है, हमारे देश में राष्ट्रपति कौन थी, लेडी राष्ट्रपति, आपको पता है? प्रतिभा पाटिल, श्रीमती प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति थी, ठीक है ना। और अभी रामनाथ कोविंद है, तो रामनाथ कोविंद एक पुरुष है और प्रतिभा पाटिल जो थी वे स्त्री थी, लेकिन राष्ट्रपति शब्द दोनों ही स्त्री और पुरुष के लिए प्रयुक्त हुआ और प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, उसी तरह से प्रोफेसर, प्रोफेसर लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, यानी कि एक स्त्री भी एक प्रोफेसर हो सकती है और एक पुरुष भी एक प्रोफेसर हो सकता है। और उसी तरह से इंजीनियर, जरूरी नहीं है कि इंजीनियर केवल पुरुष होंगे, स्त्रियां भी इंजीनियर्स होती हैं, है ना। तो जैसे डॉक्टर, राष्ट्रपति, प्रोफेसर और इंजीनियर, ये वे शब्द हैं जो समान रूप से स्त्री व पुरुष के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये पाठ जो कि लिंग है वह समझ में आ गया होगा, और आप लोग इसे एक बार घर में अच्छे से एक बार और पढ़ना, फिर आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, तो आज हमने जो पढ़ा एक बार हम उसको दोहराते हैं कि आज हमने क्या सीखा। आज हमने सीखा कि पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। ठीक है, लिंग दो प्रकार के होते हैं, लिंग के भेद दो होते हैं, कौन से, एक होता है पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं, पुल्लिंग शब्द वे शब्द होते हैं जो केवल पुरुष जाति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं या जिनसे हमें पुरुष जाति के होने का बोध होता है। उसी प्रकार स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग वे शब्द होते हैं जो एक स्त्री के लिए प्रयुक्त होते हैं या जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति के होने का पता चलता है, वे शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। और कुछ शब्द ऐसे पढ़े हमने जो सदैव पुल्लिंग रहेंगे। ठीक है, कौन से शब्द है जो हमेशा पुल्लिंग रहेंगे, देश, पर्वत आदि। और कुछ शब्द हमेशा ही स्त्रीलिंग रहेंगे, जैसे नदियां, भाषाएं आदि। ठीक है, और कुछ शब्द ऐसे हैं जो समान रूप से स्त्री व पुरुष के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे डॉक्टर, राष्ट्रपति, प्रोफेसर और इंजीनियर, मंत्री आदि। ठीक है, तो बच्चों मैं इसी पाठ से संबंधित आपको असाइनमेंट दूंगी, तो आप लोग अपना असाइनमेंट टाइमली कंप्लीट करके मुझे भेजिएगा। ठीक है, और इस चैप्टर को एक बार बहुत अच्छे से पढ़ना। और बच्चों एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ मैं कि आप, मैं एक बार और आपको रिमाइंड करा दूं कि आपके जो फर्स्ट टर्मिनल है वो बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं, उसका मैसेज आपको जल्दी ही मिल जाएगा।
लेकिन आप अपनी तरफ से अपनी पूरी तैयारी रखिए, अपना काम समय पर पूरा करके रखिए, आपका जो भी काम बच गया है उसको फटाफट से कंप्लीट करिए, क्योंकि बच्चों असाइनमेंट के आपको मार्क्स मिलने हैं। और हम ये बात आपको स्टार्टिंग से, जब से हमने पहला असाइनमेंट भेजा है, तब से हम आपको ये बोल रहे हैं कि आप अपना असाइनमेंट बहुत तरीके से और टाइमली भेजिए, क्योंकि आपको प्रत्येक असाइनमेंट के लिए मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो अभी जो फर्स्ट टर्मिनल में आपके एक से लेकर 10 असाइनमेंट तक जितना भी आपको पढ़ाया जाएगा वो सब आएगा, और हर असाइनमेंट के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे, यानी कि 10 असाइनमेंट के हिसाब से और हो गए आपके टोटल असाइनमेंट के 20 नंबर, और फर्स्ट टर्म का जो पेपर होगा वो होगा 40 मार्क्स का। तो जितना आपको पढ़ाया गया है अभी तक आप उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए, उसको रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, पढ़ाई के प्रति लापरवाही मत करिए और अपना ध्यान रखिए, अपना काम समय पर पूरा करिए। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और एक चीज़ और, सभी बच्चे जो आपको वो मिलेगा, आंसर शीट मिलेगी जिस दिन 10 जुलाई को डेट रखी गई है, तो सभी बच्चों का आना अपने पेरेंट्स के साथ कंपलसरी है। यदि कोई बच्चा नहीं आता है या उसके पेरेंट उस बच्चे को नहीं लेकर आते तो आपको वो आंसर शीट नहीं मिलेगी, क्योंकि बच्चों की प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। वैसे इससे रिगार्डिंग आपको मैसेज जल्दी ही मिल जाएगा। तो अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।